नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। सारे इलाके में बिजली जाती है वही अंधेरा। पावर फेलियर तो पहले भी हुआ करता था लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही होने लगा है मिस्टर गुप्ता। इस साल बारिश जो कम हुई है। अजी साहब, इस मुल्क की बदनसीबी है कि 20वीं सदी में भी इसे अपनी तरक्की के लिए बारिश पर आस लगाकर बैठना पड़ता है। बुरा मत मानिएगा गुप्ता साहब, अमेरिका में अगर इस तरह बिजली बुझती रहे तो लोग बिजली घर पर मुकदमा कर दे। ये अमेरिका नहीं है मिस्टर थडानी, हालांकि मेरी ख्वाहिश भी यही है कि हम अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएं। ये तो अगले 500 साल तक नहीं होगा, ये अगले 20 साल के अंदर अंदर होकर रहेगा मिस्टर थडानी। हमको तो भूखी नहीं लगती है। गुड नाइट सर। चाचा जी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। मुझे तो है और आज खाना मैं आपके साथ खाऊंगा। देख रहा, 6 साल तक तेरा बाप मुझे तनख्वाह देता रहा और उस बेचारे के जाने के बाद 2 साल से तू दे रहा है। इसलिए नहीं कि मैं खाऊं पीऊं और सो जाऊं, बल्कि इसलिए कि कुछ करके दिखाऊं। चाचा जी, आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कल तो आप कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कोई वादा नहीं किया कि कुछ करके दिखाऊंगा, सिर्फ ये कहा था कि मैं रिसर्च करूंगा, उसका कोई नतीजा निकले ना निकले। कहा था ना। सच तो यही है बेटे, खोज करना अपने आप में काफी है, चाहे उससे कुछ हासिल हो या ना हो, साल बीत जाए
जिंदगियां बीत जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाचा जी बेटे, खोज एक नशा है, एक इश्क है जिसमें खोज करने वाला खोया रहता है। इसलिए जरूरी है कि तू मुझे याद दिलाता रहे कि मेरी खोज का कोई फल होना चाहिए ताकि उसमें तेरा फायदा हो, मेरा फायदा हो और दुनिया का फायदा हो। है चल चल, अभी तो चुपचाप वहां जा बैठ। चल बैठ, खाना। हाँ खाना मैं तेरे साथ खाऊंगा। चल 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 चल। आशा बेटी देखो देखो कौन आया है। कैलाश बेटा, कभी कभी हमारे यहाँ भी आया करो। जब से तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है तुमने तो हमारे आना ही बंद कर दिया। कभी हमसे भी मिल लिया करो, हम भी तुम्हारे ही हैं। आशा बेटी, इतनी देर कहाँ लगा दी? डैडी ये इनसे पूछिए, ऐसे चल रहे थे जैसे पाँव में मोच आई। मैं तो सब अंधेरे में तेज चलने से क्या फायदा, वैसे भी बेचारी को दो बार ठोकर लगते लगते बची। यही तो मैं भी कहता हूँ कि रात को इस तरह अंधेरे में टहलने से बेटा ये बेहतर नहीं है कि आराम से घर में बैठो, गप्पे मारो, खाओ पियो, ताश खेलो। ये ना समझना कि मैं पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, लेकिन तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि छोटे शहरों में ये लोगों की कितनी लंबी जबान होती है। सॉरी डैडी, आइंदा ख्याल रखेंगे। तुम ठीक वक्त पर जागे हो। चाचा जी ये आग धूप से लगी है? हाँ, सूरज की किरणों से। ओ फैंटास्टिक, ये बुझेगा कैसे? इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सूरज की किरणों में कितनी बड़ी ताकत है। अगर एक सेकंड के 100वें हिस्से में यह हालत हुई, एक सेकंड में इससे 100 गुना बड़ी आग लग सकती थी, और एक मिनट में उससे भी 60 गुना ज्यादा। यू आर राइट। इन दिनों तुम आशा से इतने घुल मिल गए हो, मुझे ऐसा लगता है मेरे एक बेटा भी है। एक दिन मेरी ये सारी दौलत मेरे दामाद को जाने वाली है, और आशा की बातों से पता चला कि तुम ही क्यों नहीं तुम थोड़े से संजीदा हो जाते जी। मेरे साथ ऑफिस में आके बैठो, फैक्ट्री संभालो, कारोबार बढ़ाओ। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं। हाँ कहो। आपकी फैक्ट्री का आप कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? अरे बल्कि जब से तुम ही आए हो बैटरीज की प्रोडक्शन 20% बढ़ गई है। सेठ जी, अभी बैटरी से कोई फ्यूचर नहीं। आपके अपने ही शहर में पिछले 10 साल से एक आदमी एक ऐसी खोज में लगा है जिसे तमाम चीजें 18वीं सदी के खिलौने लगेंगे। उसकी फैक्ट्री से जब ऐसी बैटरी बाहर निकलेगी तो इसकी तरह भारी नहीं होगी, इससे 20 गुना हल्की और 10 गुना सस्ती होगी। उसे चार्ज करने के लिए 24 घंटों तक चार्जर पर नहीं रखना होगा, सिर्फ 2 मिनट धूप में रख देना काफी होगा। और इसकी तरह वो आए दिन डिस्चार्ज नहीं होती रहेगी, सालों साल उसकी ताकत से मोटर चलती रहेगी। उसके मार्केट में आते ही आपकी बैटरी का वो हाल हो जाएगा सेठ जी, जैसे मोटर गाड़ी के हाल में बैलगाड़ी का हुआ था। और आपका वो हाल हो जाएगा जैसे किसी राजा के सामने किसी भिखारी का होता है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम? कैलाश मेरा दोस्त है। थ्री हार्ट्स, थ्री नोट रम्स, डबल थ्री डबल पास पास पास। ये आपने री डबल किस खुशी में किए? थ्री नोट ट्रम्प की बिट तो तुम्हारी थी। अरे थ्री नोट ट्रम्प की बिट हमने तुम्हारे थ्री हार्ट में किए, तुमने थ्री हार्ट किस खुशी में बोले? जीवन वन हार्ट बिट भी तो तुम्हारी थी। अरे वन हार्ट बिट हमने की इसलिए कि हमारा टू एंड हाफ फिक्स हार्ट के रखी है, तुम्हारे पास क्या है?
यार मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। सपोर्ट किया? दुख की छक्की हटी तो सपोर्ट किया। देखो मैं बाद आया तुम्हारा पार्टनर बनने से, तुम्हें सिवाय झगड़ा करने के कुछ और आता? मरवा दिया पिटवा दिया झगड़ा भी नहीं करूंगा क्या? कमाला यार ये ताशा को जिंदगी की बात है। कोई भी बात हो हारो क्यों? देखो चिल्ला तुम रहे हो, गला मेरा सूख है, ढूंढ लो कोई और पार्टनर। अरे ये तो मरवा दिया पिटवा दिया कहते ढूंढ लो, बढ़ो खेलो तुम लोग। कोल्ड बियर? यस सर। एक कोल्ड बियर हमें भी, बिल साहब से लेना। साहब का बिल? साहब से एडवांस ही ले लो, वरना बियर पीकर पूछेंगे कौन सा बिल कौन सी बियर। अच्छा, अरे लोग क्लब में रिलैक्स करने आते हैं, ये साले यहाँ भी एफिशिएंसी एक्सपर्ट बनते हैं। आप साले इतनी धासु ब्रिज खेलते हैं, आप जरा बताएंगे आपको ब्रिज खेलना सिखाई किस गधे ने? तुमने, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। अच्छा, एक तो अंदर पिटवा दिया, यहाँ लाकर गधा भी बना दिया। अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो, बियर लाओ। यस सर। पीजिए आप। चीयर्स। क्या दिखाई दे गया? जिन्हें देखने के लिए आंखें तरस गई। अरे ऐसे कोई चीज है क्या? तो मत शक हो जाएगा। अरे हम उन्हें पता भी नहीं चलने लगेगा कि हम उन्हें देख रहे हैं। तुम्हारी आंखों के लिए नहीं है, किसी की आंखों के लिए भी नहीं। अपनी जो आंखें हैं सोते जागते बस उन्हीं को देखती रहती हैं। अच्छा बेटा, बात यहां तक पहुंच गई। मगर उनकी जो आंखें हैं इतनी बेखबर जैसे हम हैं ही नहीं। अरे तुम भी लो मत बैठे रहो ना। अरे भाई इतना तो बता दे उनकी आंखें हैं कैसी। शर्बती रंग की, इतनी तेज जीवन कि यहाँ से यहाँ तक उतर जाती हैं, और इतनी गहरी कि मैं उनमें डूब डूब जाता हूँ। अरे राजा फिर एक झलक देख तो लेना। दे तुम्हें देखना मना है। मना है तो मना है, जाओ। आपकी शादी होने वाली है। अरे कितना खुशकिस्मत है वो आदमी जिसे वो बातें कर रही है। कमबख्त बतीसी दिखा रहा है उसे और मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। अरे उसने फिर इस तरफ देखा। जीवन अगर मैं अपने होशो हवास खो बैठू तो मुझे थाम लेना, कि अभी इसे थाम लो, वो इधर आ रही है। जाया अगर वो सामने आकर खड़ी हो गई तो क्या होगा? कमाल के डरपोक आदमी है यार, उसके सामने हो जाता हूँ, क्या करूँ? इश्क चीज ही ऐसी है, जब वो सामने आती है तो मेरी घिग्गी बन जाती है, और जब वो चली जाती है ना तो घंटों मन ही मन में उसी बात। नमस्ते। नमस्ते जी। जी आपका डैडी तो नहीं? तो शायद आप बिजी हैं, मैं उस तरह ढूंढ लेती हूँ। जी नमस्ते आशा देवी जी। अरे जीवन साहब, डैडी तो आपसे मिलने आ रहे थे। हाँ तो फिर आइए ना, ऐसा कोल्ड ड्रिंक आते ही हो। नहीं नहीं, अगर डैडी आए हैं तो उनसे कह दीजिएगा कि 5 बजे की अपॉइंटमेंट न भूलें। नहीं भूलेंगे। मेरा कहने मतलब कि मैं कह रहा हूँ। अच्छा जीवन, तू इन्हें जानता है? मैं इनके बाप को भी जानता हूँ। अब इनके बाप को तो मैं भी जानता हूँ यार, वो भी बचपन से, मगर अपनी इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि इतनी सादगी से कह सकूँ आइए आशा जी बैठिए, हैव ए कोल्ड ड्रिंक। बखुरदार तुम फैक्ट्री वैक्ट्री अच्छी चला लेते हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। मतलब कि जब वो आई थी, तुम जरा आकर बताओ। चलो आओ मेरे प्रभाव। आ रहे यार। आशा जी कमाल है, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आधी बार बैठा बातें कर रहा है। आइए आइए। नहीं नहीं, आज तो मैं आपके तरफ नहीं जाने दूंगा। बैठिए। क्या लेंगे आप? नो नो, यू मस्ट हैव समथिंग। क्या कह रही हैं? फ्रेश ऑरेंज जूस। जूस कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, फ्रेश ऑरेंज जूस फॉर। आशा जी क्या बताओ, कल रात मैं काफी के बारे में सोच रहा था। आप जानती हैं आपकी आंखों में क्या जादू है? ये जो मुझे देखती है सीधी यहां से यहां तक कर जाती है। सीधा डूब डूब जाता हूँ मैं, डूब डूब जाता हूँ। शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में, शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में, मैं डूब दे दी सूरज को उजाला, उजाला सूरज को उजाला, गुलों से तूने पानी छटका, तारों की बन गई माला, देखो तारों की बन गई माला, होंठ है तेरे दो
शादी में डूब डूब जाता हूँ। शरबती तेरी आंखों की झीलती गहराई में, शरबती तेरी आंखों की झीलती गहराई में, मैं डूब डूब जाता हूँ। पत्ता डोले रे डोले, पत्ता पत्ता डोले, तिरछी नजरे जिधर भी फेंके, भड़के सौ सौ शोले रे शोले, भड़के सौ सौ शोले, गाल है तेरे दो अंगारे, गाल है तेरे दो अंगारे, अंगारों की गर्मी में जाता हूँ। शरबती तेरी आंखों की झीलती गहराई में, शरबती तेरी आंखों की झीलती गहराई में, मैं डूब जाता हूँ। देख पे प्रोफेसर खुराना, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। सुबह सूरज निकलने तक अगर तूने फॉर्मूला नहीं ढूंढ निकाला तो ये जहर होगा और तेरी मौत। ये मत समझना मजाक कर रहा हूं, जान बचानी है तो लग जा काम पर।
चाचा जी सारी दुनिया में आपके नाम के डंके बजे और आप अभी तक ये नक्शे वगैरह फैलाकर बैठे हुए। बेटे बुढ़ापे क्या भरोसा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नया विज्ञान मेरे साथ ही चला जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप। इसलिए मैंने सारा फॉर्मूला इन पर लिख दिया है ताकि कोई भी साइंटिस्ट इन्हें पढ़कर सूरज की किरणों से बिजली पैदा कर सके। बेटे इन्हें बहुत संभाल कर रखना है, कल दुनिया की अच्छी बुरी निगाहें इसी फॉर्मूले पर पड़ने वाली हैं। जानो सीनियोरे, हम लोग विदेश से आया, ये आपका चिट्ठी। आई एम एंथोनियो। थैंक यू। आप अकेले अंदर आइए। थैंक यू। हमें सूरज से बिजली बनाने का फार्मूला चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन तुम इतने आदमी साथ ले आए हो। ऐसे काम के लिए कभी कभी ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ जाती है। किसी को शक हो गया तो? किसी को शक नहीं होगा, इस वक्त तुम्हारे मुल्क में इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के मैच हो रहे हैं और हम लोग उसमें हिस्सा लेने का बहाना करके आए हैं। आज हमारे हुस्न की तारीफ में शेर नहीं हुआ क्या? हमेशा की तरह हमारे आने से आपके इस वीरान गुलशन में बाहर नहीं आई? ऐसा लगता है आज हमें ही शेर सुनाना होगा आपके हुस्न की तारीफ में। अर्ज करूं? जरूर कोई बात है। ये अजनबी निगाहें, ये बदले हुए तेवर, क्या बात है हु? आशा, जिंदगी के सफर में कहीं साथ छोड़ गया तो? तो तुम ये सोच रहे थे? मत सोचो, क्योंकि साथ छूट नहीं सकता। फर्ज करो राह चलते चलते अगर ये पैर किसी और की तरफ मुड़ गए तो ये पैर तोड़ दिए जाएंगे, समझे आप? तो मजाक में ले रही हो आशा, तो छोड़ो। जीवन क्या हुआ? बात ऐसी आशा कि कह दो तो कहीं नहीं जाती और ना कहो तो विश्वासघात होगा। देखो जीवन, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना। मैं भी यही सोचता हूँ आशा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूँ तो कैसे कहूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी मंजिल तुम्हारे सिवाय कोई और भी हो सकती है, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी आशा कि मैं आज कई दिनों से तुमसे भागा भागा फिर रहा हूं। आशा मैं आशा कैसा बनाया? अरे पगली, अगर मेरे मजाक में ये हालत तो कहीं ये बात सच होती तो क्या होता? अच्छा, तो ये आपका मजाक था? हाँ। छोड़ो मेरा रास्ता। अरे रूठने वाली ठहर तो जा, हम भी तो पड़े हैं राहों में। पड़े रहो। ए, आज शाम का क्या प्रोग्राम है? मेरा तुम्हारे साथ कोई प्रोग्राम नहीं। मगर मेरा तो तुम्हारे साथ है। सुना है सिम्स पार्क में 200 रंग के गुलाब खिले हैं, देखे जाए? तुम जाके देखो। मैं तो देखूंगा ही, मगर तुम्हारे साथ।
पाँच बजे मिलोगे ना? नहीं मैं फिर भी इंतजार करूंगा, मिलोगे ना? नहीं मैं फिर भी इंतजार करूंगा, मिलोगे ना? नहीं मैं फिर भी इंतजार करूंगा, मिलोगे ना? इससे बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि पूछिए नहीं। अजी सस्ते के अलावा गाँव गाँव में कितनी आसानी से पहुँच जाएगी। बिल्कुल, इस साल की बिजली के मामले में इस सदी की सबसे बड़ी ईजाद है। हिंदुस्तान के लिए नया दौर आ जाएगा और ये सब तुम्हारी मेहनत है कैलाश। मेरी नहीं, चाचा जी की। बेशक बेशक पुराना साहब, इस साल का नोबेल प्राइज यकीनन आपको मिलेगा। कैलाश मुबारक। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस कैलाश भाई, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। थैंक यू जीवन। अरे गले मिलकर, भगवान करे इसी तरह से कामयाबी जिंदगी की हर फील्ड में तुम्हारे कदम चुमे, और हर फील्ड से मेरा मतलब है हर फील्ड। यार दोस्तों की दुआएं हो जाए तो बात और है, वरना जिस फील्ड की बात तुम कर रहे हो अपना कोई चांस नहीं। अबे हम जैसे दोस्तों के होते हुए तूने जरा पहले इशारा कर दिया होता तो उसे भी आज यही बुला लेता। चल चल, तू फेंकता बहुत है। अबे फेंकता हूँ? तू मेरी खुददारी को चैलेंज करता है। अच्छा आज शाम के 5 बजे तू क्या कर रहा है? फ्री हूँ, फैक्ट्री में तो छुट्टी कर दी है। वेरी गुड, लेकिन तुझे मालूम भी है कि सिम्स पार्क में कितने रंग के गुलाब खिले? इन गुलाबों से हमें क्या लेना? अबे लेना है ना, ठीक शाम के 5 बजे वहां पहुंच जाना। उन गुलाबों में तुझे एक ऐसा खिला हुआ गुलाब मिलेगा जिससे तुम्हारी जिंदगी भी खिल जाएगी। ऐसा लग रहा है आपको किसी और का इंतजार था। मुझे किसका इंतजार होगा? मैं तो यूं ही आ गई थी टहलते टहलते गुलाब देखने। आप तो ऐसे घबरा के बात कर रही है जैसे मैं करता हूँ। अकेले आए हैं? मैं किसके साथ आऊंगा? जरूर किसी से मिलना होगा। तो आप इंतजार कीजिए उनका, मैं चलती हूँ। देखिए आशा जी, अगर हमारा साथ पसंद नहीं तो साफ कह दीजिए ना, इस तरह बहाना करके मत जाइए। ये बात है तो लीजिए बैठिए। ये धूप कितनी अच्छी है। हाँ सर्दी है ना। आपने कभी सोचा है दिन की इस धूप को अगर समेट कर रख लिया जाए तो रातों को ना कभी अंधेरा हो ना सर्दी? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मेरे बिजली घर में यही तो हो रहा है। आप आइए ना किसी दिन देखने। आऊंगी, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में। आशा जी, सूरज को देवता मानकर हमने हजारों साल उसकी पूजा की है, लेकिन उसके वरदान को कोई ठीक तरह समझ नहीं सका। चंद ही सालों में आप देखेंगी इस गरीब देश के गांव गांव में, घर घर में, रात रात भर छोटे छोटे सूरज टिमटिमाएंगे, तब ये देश गरीब नहीं रहेगा, बिल्कुल गरीब नहीं रहेगा। कैलाश बाबू, माफ कीजिएगा, मैं भूल ही गया था। आप मुझे इजाजत देंगे? जी, फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। क्यों नहीं, आप कभी घर आइए ना। वाह बेटा वाह, हम तो तुझे महाबुद्धू समझते थे, लेकिन तूने पहले ही मुलाकात में वो रंग जमाया कि घर के अपॉइंटमेंट। अरे जीवन, ये सब तुम्हारी मेहरबानी से तो हो रहा है यार। क्या कह रहा है यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है, हम तो यारों के यार हैं। तू वाकई यार है। अच्छा ये बता,
उसके घर का पहुंच रहे। मेरी आशा, आशा, आ, आशा, ये दो अक्षर मेरी जिंदगी बन चुके हैं। ये जिस शब्द में भी आ जाते हैं शब्द मुझे बहुत प्यारा लगने लगता है, और जिस शब्द में नहीं आते वो शब्द मेरे किसी काम का ही नहीं रहता। आशा, इन दोनों में मेरी जिंदगी बनी है और आशा में मैं बना हूं। मेहता साहब के घर चलो। सेठ जी घर में नहीं है। आशा जी हैं? जी हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें खबर दे देता हूं। जीरो बीसी घर वाले साहब। ओह, कैसा तो आप? बैठी बैठी। आपने कहा था मैं किसी दिन भी यहाँ आ सकता हूँ। क्यों नहीं, अब बैठिए और पहले बताइए आप क्या लेंगे, चाय कॉफी या? दरअसल मैं अभी आप अभी चाय के लिए हाँ करेंगे तो आपके साथ मैं भी एक कप लूंगी। जैसा आप कहें। हरिराम, हरिराम, जल्दी से दो कप चाय। डैडी किसी मीटिंग में गए हैं, शायद उन्हें आने में देर हो जाए। उनकी गैर हाजिरी में मेरा यहाँ बैठना मुनासिब नहीं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप, डैडी आपको गैर थोड़ी समझते हैं। कुछ कहिए ना। क्या कहूँ? कुछ भी, कोई बात कीजिए। जी मुझे बात करनी नहीं आती। लीजिए, उस दिन तो आप इतनी बातें कर रहे थे। आशा जी समझ में नहीं आता आपके सामने आकर मेरी जबान बंद क्यों हो जाती है। इस वक्त आप मेरे दिल की धड़कने गिने तो दुगनी होगी। अच्छा, क्यों भला? आशा जी आप जानते हैं मैं आपको चिट्ठियां लिखा करता हूँ। अच्छा, मगर मुझे तो कभी नहीं मिली। बात यह है कि जो कुछ मैं आपसे कहना चाहता हूँ और कह नहीं पाता उसे लिख देता हूँ, लेकिन चिट्ठियां पोस्ट करने की कभी हिम्मत नहीं हुई, कहीं आप बुरा ना मान जाएं। देखिए कितने जमा हो गए हैं। अरे इतनी सारी? आज मैं इन्हें जलाने वाला था, फिर सोचा शायद मैं करता हूं। लेकिन चाय तो पीते जाइए। जी नहीं, डर लगता है ये चिट्ठियां पढ़कर कहीं चाय का प्याला मेरे मुंह पर ना फेर ले। आप सुनिए आशा जी, जूते भी मारने का दिल करे ना तो आकर मार लीजिएगा, लेकिन नाराजगी का इजहार खामोशी से मत कीजिएगा। ये मेरी आशा। तुम रहती हो।
हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। यूं ही जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, दिल के पास तुम रहती हो। आशा, क्या बात है। देखो, किसी ने सच कहा, दिल से दिल को राह होती है। मैंने तुम्हें याद किया और तुम। आशा, क्या बात है मेरी जान, आंखें बता रही है जागी हो रात भर। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मेरे बारे में सोच रही होगी और इसी तरह आंखों आंखों में रात कट गई होगी। आशा मेरी जान, मोहब्बत होने वाली चीज है सो हो गई, और जो हो गई सो हो गई। आ बैठो ना। क्या सवाल किया बचकाना था हुजूर ने। अरे ये सवाल तो खुद ही अपने दिल से कभी तन्हाई में बैठकर पूछ लिया होता। पूछा और बार बार पूछा, लेकिन हर बार मेरे दिल ने एक ही जवाब दिया। तुमसे भी तो पूछूं। तो सुनो, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि कहो तो आसमान से सारे तारे तोड़कर जमीन में तुम्हारे कर... ये बात नहीं, बकवास है। तो समझो, प्रेम की भावना को तुम क्या समझते, मोहब्बत तुम्हारे लिए क्या चीज है? मोहब्बत एक कांटा है जो बस छू कर टूट जाए, मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है। ये जवाब तुम्हारा नहीं, ये तो उस शायर का हुआ
इसलिए शेर लिखा। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं और मुझको मुझको बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुमसे शायरी छीन ली जाए और वो भी दूसरों की, तुम्हारे लिए मोहब्बत इल्ले। मोहब्बत इल्ले ये बात है तो देखो ये क्या बदतमीजी है। अरे मेरे जान, मगर शायरी के मोहब्बत इसी तरह की जाती है। तुम्हें क्या हो गया है? कुछ भी नहीं ना, ये सब मोहब्बत का नशा है, मोहब्बत का। जीवन क्या है? देखो तुम मेरे पास आए ना तो मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी। चलो बैठो, बैठ जाओ। बैठ जाता हूँ बाबा, लेकिन एक बात बताओ, आज ऐसे उल्टे सीधे सवाल हमसे क्यों किए जा रहे? एक मोहब्बत करने वाले ने मोहब्बत पर एक किताब लिखी है, मैं वो किताब तुम्हें किसी दिन पढ़ने के लिए दूंगी। पढ़ना, सीख जाओगे कि मोहब्बत किसको कहते हैं। क्या है, आप कौन चाय पेगा? ले जाओ। सर, चेकोस्लोवाकिया सरकार से इंक्वायरी आई है, पूछते हैं क्या आप हमारे पराग शहर के लिए एक ऐसा सूरजमुखी पावर हाउस डिजाइन कर सकते हैं जो सारे शहर को बिजली देता रहे? अगर हाँ तो एस्टिमेट भेजने की कृपा करें। सिद्धार्थ, जिस तरह से ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं, हमें कम से कम 100 टॉप ग्रेड के इंजीनियर्स ट्रेन करने पड़ेंगे। यस सर। तुम एक काम करो, खुराना साहब से सलाह करके अखबार में एक इश्तहार दे दो। सर, मिस मेहता आपसे मिलने आई है। कौन मिस मेहता? उनसे कहो मुझे अभी फुर्सत नहीं। सुनो, आशा मेहता तो नहीं? जी आइए आइए आइए, प्लीज कम। हाँ मिस्टर दास, जी सर, जी थैंक थैंक यू मिस्टर सुजय, थैंक यू। आप बाहर क्यों घड़ी अंदर आई ना? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है, आप सचमुच आशा जी हैं? नहीं मैं आशा जी नहीं, आपको धोखा हो रहा है। अच्छा जी, मेरे दिल की धड़कनें दुगनी हो रही है। नाउ मिस्टर गुप्ता जी, आज हमारे दिल में एक शौक पैदा हुआ है जी कि आपका नया पावर हाउस देखा। बिल्कुल जरूर जरूर पावर हाउस भी दिखाऊंगा, पहले आप ये बताइए क्या लेंगे, चाहे कॉफी या ठंडा? देखिए अगर आप कॉफी के लिए हाँ करेंगी तो आपके साथ एक प्याला मैं भी पी लूंगा। मैं नहीं देख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख नहीं रहा। अच्छा जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लड़की कौन है? ये मेहता, ये आशा जी हैं, आशा मेहता। नमस्ते। जीती रहो। साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट जी नहीं, साइंटिस्ट नहीं है। तो ब्रियाज का क्या काम? ये सब देखने आई है चाचा जी, आपका करिश्मा। तुम अपना करिश्मा दिखा चुके हैं। मेरा कौन सा करिश्मा चाचा जी? देखा बेटी, ये इसका करिश्मा है, पूछना कि मेरा कौन सा करिश्मा। अरे भोले ना, लड़की को यहाँ तक लाए हो, करिश्मा दिखाना नहीं जानते? बेटी तुम ही से कुछ सिखाओ। जी मैं? तुम भी कुछ नहीं जानते? जी, जी नहीं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, न तुम कुछ जानती हो न ये कुछ जानता है, फिर दोनों मिलकर एक दूसरे को सिखाओ, दोनों जान जाओगे यार तुम। जय क्यों बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है? जी नहीं। कितने अफसोस की बात है, इतनी अच्छी जोड़ी और ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं तो कोई अच्छी बात बनाओ। चलो 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 चलो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तू मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं
सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ। आशा जी, ऐसी कोई बात बन सकती है? नहीं कैलाश बाबू, आपके खत बहुत सुंदर है। बताते हैं लिखने वाले की आत्मा कितनी सुंदर होगी। मैं ही बदनसीब हूँ। पिछले महीने 80,000 की बिक्री थी, इस महीने 10,000 के भी ऑर्डर नहीं है। ये सब हो क्या रहा है सर? आजकल मार्केट में सिर्फ एक ही बैटरी की मांग है, कैलाश गुप्ता की सूरजमुखी बैटरी। जीवन, तुमने ठीक ही कहा था, अपनी फैक्ट्री बंद होती नजर आ रही है। सेठ जी, अब आपके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हालांकि वो मेरी बर्बादी का रास्ता होगा, कैलाश के साथ आशा की शादी। क्या? नहीं नहीं, आशा की शादी तुमसे ही होगी, ये मेरा फैसला भी है और आशा का भी। जरा सोच लीजिए, कैलाश और आशा की शादी हो गई तो कैलाश की जीत आपकी जीत होगी। कैलाश जिंदगी में अकेला है, सब कुछ आशा का होगा, या यूं समझिए सब कुछ आपका होगा। मगर बेटे तुम, मैं खुद भी कई दिनों से इस कश्मकश में हूं कि आपकी और आशा की खुशी देखो या अपनी खुशी देखो। मैं काफी खुदगर्ज इंसान हूं मेहता साहब, लेकिन आपके साथ नहीं, आशा के साथ तो कभी नहीं। लेकिन अगर कैलाश नहीं राजी हुआ तो? बात आप आशा के कान में डाल दीजिए, तो कहे तो मैं आशा से बात करूं। नहीं जीवन, लड़की एक बार ना कह दे तो बात खत्म हो जाती है। तो ठीक है, कमंडल उठाओ और साधु बन जाओ, मगर प्यारे इश्क का मैदान मारना है तो चोट पर चोट खाते जाओ, मगर पीछे लग रहो। ये हमसे नहीं हो सकता जीवन, हमने प्यार किया ये हमारा कसूर, उसने इनकार कर दिया उसकी मर्जी, फिर वो प्यार ही क्या जो छीन कर हासिल किया जाए। यार तुम्हारी अकल को तो दीमक चाट गई है, अब अगर मेरी अकल से काम लो तो आशा को जीतना बाय हाथ का खेल है। आशा ने ना कहा है, कोई पत्थर पर लकीर तो नहीं खींची है, कल हाँ भी कह सकती है। चल उसे फोन कर, चल। फोन करूं? पागल हो गए तुम? हाँ हाँ पागल हो गए, चलिए आप फोन कीजिए। नहीं यार मैं फोन नहीं करूंगा। आप मत कीजिए, मैं कर देता हूँ। अरे जीवन देखो क्या कर रहे हो, फोन नहीं करना। जीवन जीवन चल चल ना। हेलो, हेलो हेलो हेलो, कौन? कैलाश बाबू जी? जी हाँ मैं कैलाश। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। जी मेरे बारे में? क्यों, आज से आपके बारे में सोचना मना है क्या? जी मना तो नहीं, लेकिन ये सुनकर कुछ अजीब सा लगा। ऐसे लगता है आपको मेरी कोई बात बुरी लगी। जी नहीं ये बात नहीं, लेकिन आशा जी आंधियां भी जिस चिराग को बुझा न सकी उसे किसी की हल्की सी फूंक ने बुझा दिया। कैलाश बाबू, जिस चिराग को आपने जलाया है उसकी रोशनी इतनी पवित्र है कि उसे जलाए रखिए, जिसके भी नसीब में वो होगी उसे मिल ही जाइए। देखा बेटे, उस्तादों की बात कभी गलत नहीं होती, मगर प्यारे लाल अभी तो सिर्फ पौ फटी है, सूरज निकलने तक हिम्मत मत हार देना, और कहीं मैं दो चार दिनों के लिए काम से बाहर चला जाऊं तो कमंडल उठाकर यात्रा में मत चल देना, फोन का सिलसिला जारी रखना, आशा तुम्हारी होगी तुम्हारी होगी तुम्हारी होगी। कैलाश
कैलाश का फोन था जी। कुछ दिन हुए तुमसे मिलने भी आया था ना? जी हाँ। तुमसे पसंद करता है शायद? पता नहीं। अच्छा लड़का है, उसका बाप भी शानदार आदमी था, खानदानी। आज अगर वो जिंदा होता तो मैं तुम्हारा रिश्ता उसी घर में करता। जीवन भी अच्छा लड़का है लेकिन कैलाश के मुकाबले में नहीं, न लियाकत में, न दौलत में, न खानदान से। तुमने उसके बारे में कभी नहीं सोचा? डैडी, जीवन के साथ मेरी बात। हाँ वो तो है, वो तो है। फिर भी अगर कैलाश मेरा दामाद होता तो, वैसे देखा जाए तो जीवन में है क्या, आखिर मेरा मुलाजिमी है ना, उसे समझाया जा सकता है। क्या कहती हो? नहीं। जीवन, जीवन, जी वो तो चले गए। कहाँ? इस चिट्ठी में सब कुछ लिखा है। माई डियरेस्ट आशा, ये लिखते लिखते मेरे दिल के हजार टुकड़े हो रहे हैं, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा दिल भी टूटेगा, मगर क्या करूं, मजबूरी लिखवा रही है और मैं लिख रहा हूं। आशा, मैंने जिंदगी में दो से मोहब्बत की है, एक तुमसे, दूसरे अपने भविष्य से। मोहब्बत कहती है भविष्य बनाओ, भविष्य कहता है छोड़ो मोहब्बत को, इस छोटे से शहर को, यूरोप जाओ, कुछ बनो। मैं जा रहा हूं आशा, मैं जा रहा हूं, मगर अपनी मोहब्बत को तुम्हारे पास छोड़कर। कहने का हक नहीं रखता कि मेरा इंतजार करना, क्योंकि शायद कभी लौट ना सकूं।
शादी मुबारक हो। आइए ना, आइए। मुबारक। चल साला कैसी मुबारक, तू बारात में क्यों नहीं आया? गलती हो गई, माफ कर दे। मुबारक। फिलहाल यार आज के रात इतने फिलहाल खुश आवाज रहा मुझे, हमें तो खुशी है कि हमारा यार खुश है। अरे मेरा गिलास टूट भी गया। इधर तो बढ़ाइए आप भी। करे मेरी तारीफ से क्या मतलब, गिलास भरिए। नहीं नहीं हम किसी क्या करें, डोंट माइंड। देखो हम बेटे के हाथ से दिएगा बुरा हमारे बेटे को। मगर आपका बेटा तो खिसकने की कोशिश कर रहा है। उनके साथ तो जिंदगी बितानी है प्यारे, आज की रात अपन साथ गुजार। तू कैसी बातें कर रही है, क्यों जुल्म कर रहे हैं बेचारे? देखते नहीं दिल की बेताबी चेहरे पे झलक आई है। हाँ, भी तो यार अंदर तो और भी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है। नहीं 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 आज की रात कोई रहने दिखाया जाए। बैठे बैठे, क्या हो गया? ये लोग मेरे साथ बहुत बदमाशी कर रहे हैं, गिलास मेरा भरते हैं, आप पिया के खुद। दादाजी के लिए पूरी बॉटल लाओ। हाँ पूरी बॉटल लाओ, थोड़ी और डालना। थोड़ी और डाल, आज आप कितनी पिएंगे? ठीक है ठीक है बेटे, तू मेरा शेर बेटा ना? बिल्कुल। हाँ तो आंखें बंद कर और एक घूट में चला जाए। मैं इतनी शराब कैसे पीऊं? अरे लो लो, इसकी अभी ये हालत है तो अंदर जाकर क्या करेगा? बेटे थोड़ा नशा करके जाएगा ना तो नशे पर नशा आएगा। जब मेरी स्वागत थी ना अरे, तो मैंने इतना नशा किया, इतना नशा किया कि दरवाजे के अंदर कदम रखकर वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। इसको कभी मत पीना, ये बड़ी कुत्ती चीज है। अंदर जाके कहोगे क्या? तो कुछ कहना पड़ता है। तुम अरे कुछ लोग कहेंगे। आने दो इसे। जीवन तुम्हें अगर मुझसे मिलना है तो रास्ता ये नहीं, बाहर के दरवाजे से आओ, मुझ तक खबर भेजो, फिर मैं तुमसे मिलूंगी। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ आशा, ऐसी गलती दोबारा फिर कभी नहीं होगी। आशा मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या वो सब नाटक था जो तुम मेरे साथ खेल रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या वो खत याद दिलाओ जो मुझे लिखकर ये लोग चले गए थे? अगर मुझे ठोकर मारी थी अपने भविष्य बनाने के लिए, वापस क्यों लौट आए? मेरे खत ने तुम पर वही असर किया जो मैं चाहता था, कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। मैंने तुम्हें लिखा था कि मैं भविष्य बनाने जा रहा हूँ, और तुमने यकीन कर लिया कि भविष्य मुझे तुमसे भी ज्यादा प्यारा है। तो और क्या समझते है? तुम्हारे डैडी ने कुछ नहीं बताया। चलो अच्छा ही हुआ, डैडी ने अगर तुम्हें बता दिया होता तो आज तुम मुझे नहीं अपने आप को बेवफा समझते। आशा तुम्हारे डैडी ने यह सोचा होगा कि कैलाश के घर की दीवारें सोने की और छत चांदी की, इसलिए जो सुख तुम्हें यहां रह के मिल सकता है वो बेचारे जीवन के यहां कभी नसीब नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता था इसलिए मैं खुद गर्ज न था, तुम्हारी भलाई सोचता मैं भी अपना फर्ज समझता था। बस मैंने डैडी की हाँ में हाँ मिला दी, एक तरफ तुम, तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन, और एक तरफ कैलाश की दोस्ती। कैलाश तुमसे मोहब्बत करता था, उसका तड़पना मुझसे नहीं देखा गया। मोहब्बत और यारी चक्की की दो पार्ट थे जिनके बीच मैं हंसते हंसते पिस गया। ठीक है, तुम्हारी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं आशा कि तुम अपने जीवन को अब तक भूली नहीं। ठीक है, जिसे इतना चाहो आशा उसे इतनी आसानी से भुला देना आसान तो नहीं है, लेकिन तुम्हें भूलना होगा आशा, तुम्हें भूलना होगा। इन बातों से कोई फायदा नहीं, अब तुम यहां से चले जाओ। अच्छा आशा मैं चला जाता हूं, लेकिन यह सोचकर उदास न होना कि मेरी जिंदगी अब कैसे कटेगी। मैं उन्हीं यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगा जो तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी।
कैसी होती है सुहागरात? सोचा तो मैंने भी कुछ और था। मुझसे कोई भूल हो गई? भूल तो शायद मुझसे हुई है। शादी करके पछता रहे हैं आप? हाँ आशा, तुम भी तो पछता रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे अपने सुहाग के साथ। सुहाग की सौगंध मत खाओ। सुहाग झूठा है, सौगंध भी झूठी हो जाएगी। सुहाग झूठा है। मैं तुमसे प्यार करता था ये सच है, लेकिन जीवन भी तो तुमसे प्यार करता था, और सबसे बड़ा सच ये है कि तुम जीवन से प्यार करती थी। जीवन का दिल तोड़कर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया आशा? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? परिस्थिति ऐसी है, आज मैं जो कुछ भी कहूंगी आपको झूठ लगेगा, लेकिन भगवान जानता है मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैंने जीवन को कभी चाहता ये सच है, इसलिए मैंने आपसे शादी करने से भी इनकार कर दिया था। आप माने ना माने, मेरा मन शादी से पहले आपको हो चुका था। जीवन मेरे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उस याद को भी निकाल डालूंगी। काश मुझे पता चल जाता कि जीवन मेरी दोस्ती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है, तो मैं अपने प्यार की कुर्बानी देकर अपने दोस्त का ब्याह तुमसे करवा देता। वो इसमें मुझसे बाजी नहीं गया। आशा, ये सच है कि मेरा तुमसे विवाह हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करने पर भी तुम्हें अपना नहीं सकूंगा। तो मैं अपने पिता के घर वापस चली जाऊं? नहीं, अब ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी, सिवाय मेरे तुम यहाँ की हर चीज की मालकिन हो। तो क्या आप ये चाहते हैं कि सवेरे जब नौकर चाकर जागे तो ये देखें मालकिन के घर में आने से मालिक लाइब्रेरी में सोने लगे? नौकर चाकर ये सब नहीं देखेंगे, नौकर चाकर ये ही देखेंगे कि मालिक और मालकिन एक ही कमरे में रहते हैं। लेकिन आज से तुम्हारा कमरा ये होगा और मेरा। गंगा माँ, हाथ हाथ पहनाइए। मालकिन, घर के नौकरों की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। हेर, 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 हेर। ये घर की कुंजियां हैं, इन्हें आप संभाल लीजिए। आशा, ये गंगा माँ है, जब से होश संभाला है इन्हें देखा है। दोनों अलग अलग कमरों में सोए थे। शादी के बाद पहली बार घर आई है। अरे मुझे टेलीफोन कर दिया होता, मैं खुद आ जाता तुझे लेने। कलर साथ नहीं आया? डैडी। बेटी। लड़कियां कभी कभी खुशी से भी रोती हैं, लेकिन ये आपके साथ खुलकर बात नहीं करेगी। आप कहिए तो मैं पूछूं। मैं
तुम्हारा रोना देखकर तुम्हारे पिताजी परेशान है और मुझ पर जो गुजर रही है उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो आशा? जीवन, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं और दोबारा मुझे छूने की गुस्ताखी मत करना। मगर मैं तो सिर्फ मैं खुश हूं या नहीं इससे अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं। वो आशा जो तुम्हें जानती थी मर चुकी। ये मिसेस कैलाश गुप्ता है, अपनी शादी से खुश, अपने घर में सुखी और अपने पति को देवता मानने वाली। आशा तुम मुझे गलत समझ बैठी हो। मैं तो तुम्हारे ये आंसू देखकर, ये आंसू मेरे हैं, इनसे किसी गैर को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फिर कभी मेरे कमरे में आओ तो दरवाजा खटखटा कराना। ऑलराइट सर। मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता, हम लोग बाद में बैठते हैं। वेरी वेल सर। गुड मॉर्निंग बाबूजी। जी सर। आज अचानक कैसे आना हुआ? क्यों, क्या अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था? जी, मेरा ये मतलब तो नहीं था। देखो बेटा, आशा मेरी इकलौती बेटी है, मैंने उसे बड़े लाड से पाला है। मैंने उसका हाथ तुम्हारे हाथ में यह सोच के दिया था कि वो तुम्हारे घर में ज्यादा सुखी रहेगी। आपसे आशा ने कहा है कि वो मेरे घर में सुखी नहीं? नहीं, वैसे उसने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन तो फिर आपने अंदाजा लगा लिया कि मैं उसे मारता हूँ, पीटता हूँ, भूखा रखता हूँ? मुझे नहीं मालूम था तुम इतने बदतमीज लड़के हो। बाबूजी, अगर आप चाहते हैं मेरी नजरों में आपकी इज्जत बनी रहे तो मेरी आपसे इल्तजा है, आप मेरे घरेलू मामला में दखल ना दीजिए। ये सिर्फ तुम्हारा ही घरेलू मामला नहीं है, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल भी है। कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी बेटी की जिंदगी मेरे घर में बर्बाद हो रही है तो आप बेशक उसे अपने घर वापस ले जा सकते हैं। तुम्हारे यही इरादे हैं, इस भूल में मत रहना। आशा अब हर चीज में तुम्हारी बराबर के हिस्सेदार है और इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज है। अगर मुझे मालूम होता कि कैलाश इतना गिरा हुआ इंसान साबित होगा तो मैं आशा को लग्न मंडप से उठा लाता। आशा की जिंदगी भी बर्बाद हुई और जो हमने सोचा था वो भी पूरा नहीं हुआ। आप बड़ी जल्दी हार मान गए बाबूजी। आपने जो सोचा था वो पूरा होगा। कैलाश अगर आशा को घर से निकाल ही देना चाहता है तो आशा खाली हाथ क्यों लौटेगी? जल्दी आ गए। आशा, तुम्हें इस घर में किसी किस्म की तकलीफ है? किसने कहा? अपने पिता के पास जाकर क्या क्या रोने रोए हैं तुमने? ये भी आपसे किसने कहा? अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारे पिता ने जीवन की बजाय मुझे अपना दामाद किस लिए बनाया है। इसलिए कि वो मेरी बढ़ती ही दौलत में अपने आप को बराबर का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने दौलत के लालच में आकर आपसे शादी की? मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की बात कर रहा हूँ। मेरे पिता ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। मैं नहीं मानता, तुम्हारी मर्जी को छोड़। कैलाश बाबू, आप चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन मैं इस तरह के ताने सुनने के लिए आगे साथ नहीं हूँ। तो फिर अगली बार जब अपने पिता के पास मेरी शिकायत लेकर जाओ तो उनसे कह देना मुझे कानून की धमकी ना दे तो अच्छा है। वाह वाह वाह, बरखुरदार तरक्की पर। लोग 7-8 साल की शादी में जो मजे नहीं ले सके तुम 7 दिन में ही लेने लगे। बेटी, इस गधे के कान अभी से खींच के रखो, जरा ढील दी तो ये और भी बड़े बड़े नाटक करने लगेगा। अरे, डांट रहा था मेरी बेटी को? चाचा जी, मेरी इतनी जरूरत कहाँ, ये तो मुझे फौरन शट अप कह देती है। ठीक है तो करती है। शाबाश बेटी, ये घनचक्कर बड़बड़ करे बुरा ना मानना। अरे, अपने बाप के सामने भी इतना चिल्ला चिल्ला कर ये क्या? चाचा जी, आप मेरी सारी पोल खोल देंगे। अच्छा चलो, तुम अंदर चलो। चलो चलो, ये क्यों जाएगी? अरे, इसी की खातिर तो तुम्हारी पोल खोल रहा हूँ। चाय दीजिए ना चाचा जी, आपके लिए गरम गरम चाय लाएगी। चाय? अरे, चाय का वक्त है, 1 बजा है, चाचा तो खाना खा कर जाएगा और वो भी अपनी बेटी के हाथ का बना हुआ। क्यों बेटी, खिलाएगी ना? क्यों नहीं। खाना तो पक्के तैयार हो गया मैम साहब। कोई बात नहीं, रात को काम आ जाएगा, अभी का खाना मैं बनाऊंगी। गंगा माँ, तुम जरा मैडम से ना पहले इसे। चाचा जी, आप खाइए ना। बेटे, लो
पहले पतिदेव को, चलो पहले बुजुर्गों को खाना चाहिए। आप इसे अपने हाथ से खिलाओ। अच्छा जी, मैं खुद अपने हाथ से खा लूंगा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं। दिया, दिया, मुझे मालूम है, थोड़ी देर पहले आप बुजुर्गों वाली बातें कर रहे थे ना। बेटी एक पूरी उठाओ और डालो इसके मुंह में। चलो चलो डालो ना, उठाओ पूरी, उठाओ, शाबाश, उठाओ पूरी, डालो इसके मुंह में। कैलाश बेटे, अब तुम इसे अपने हाथ से खिलाओ। मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, चलो बैठो, बैठो बैठो, चलो खिलाओ बेटे, खिलाओ ना। देखो बेटे, जी तो जानवर भी लेते हैं, लेकिन इंसान उसी को कहते हैं जो समझदारी से जी सके। और समझदारी की परख तभी होती है जब एक दूसरे के साथ बर्ताव करना पड़ता है। इस हिसाब से शादी इंसान की समझदारी का सबसे बड़ा टेस्ट है, क्योंकि इसमें बर्ताव ही दूसरा करना पड़ता है। जो इस टेस्ट में फेल हो जाए, वो चाहे एटम बम भी बना ले, फिर भी समझदार नहीं कहा जा सकता। बोलो, कहा जा सकता है? कहा जा सकता है? अब बात आई समझ में। अच्छा, मेरे लिए परोसो। हाँ, एक बात और, एक साल के अंदर अंदर इस घर में एक नई किस्म की रौनक होनी चाहिए, वरना मेरे दो शरारती बच्चे हैं, उन्हें यहाँ लाके छोड़ जाऊंगा। है, अब तुम दोनों इसमें खाओ और मैं इसमें खा लेता हूँ। शाबाश, चलो खाओ खाओ। वाह वाह, दोनों में सुलह हो गई। नमस्ते सर। वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दी और उन्हें 3-3 महीने का बोनस भी दे दिया। वर्कर्स बहुत खुश है और आपसे भी दुआएं मांग रहे हैं। तो क्या नाम है? तो सजा।
हेलो, आप कौन? जी मैं उनकी एक सहेली बोल रही हूँ। तुम्हारी भी सहेली है? हेलो मिसेस गुप्ता, माफ करना मुझे आपके पति से झूठ बोलना पड़ा। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ और जीवन के घर से बोल रही हूँ। जीवन ने जहर खा लिया है। क्या? आप घबराई नहीं, वो जिंदा है लेकिन अभी तक बेहोश पड़े हैं। उनके तकिए के नीचे से आपके नाम का एक खत मिला है। आप अभी आ सके तो ठीक है, वरना यह खत पुलिस तक पहुंच जाएगा। नहीं नहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है? क्या हुआ? बहुत बीमार है। कौन? मेरी सहेली। डॉक्टर का कहना है शायद रात ना कटे। फिर तो तुम्हें फौरन जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें ले चलता। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैं जल्दी से वापस आने की कोशिश करूंगी। यही ठहरना, मैं आती हूँ। जी मैं वक्त पे ना पहुंचती तो बचना मुश्किल था। आपको किसने बुलाया था? बस यूं समझ लीजिए इनकी किस्मत मुझे यहाँ ले आई। टेलीफोन पर आपने किसी खत का जिक्र किया था? जी, एक औरत होती थी, मैंने ये नहीं चाहा कि आपका घर उजड़े, इसलिए खुदकशी का केस होते ही थी, मैंने पुलिस को खबर नहीं की। आशा, तुम्हारी भलाई के लिए मैंने अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों खोल दिया, लेकिन कल अपने घर पे जो तुमने मेरी कुर्बानी का बदला दिया है, उसके बाद मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। मैं ये दुनिया ही छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी चंद तस्वीरें जो मेरे जीने का सहारा थी, मैं वापस कर रहा हूँ। कुछ तस्वीरों के बारे में लिखा है। जी ये रही। तस्वीरें मैंने नहीं खिंचवाई। अच्छा, तो आपने आप खींच गई? आप मेरे यकीन कीजिए। मैं तो यकीन की लेती हूँ मिसेस कैलाश गुप्ता, लेकिन क्या कैलाश भी यकीन कर लेंगे? ये आपने फाड़ डाली, बहुत अच्छा किया, मगर जब इनके नेगेटिव साथ आ जाए ना तो नहीं चला डालिएगा। नेगेटिव? मुझे अफसोस है कि वो नेगेटिव ऐसे हाथों में पहुंच चुके हैं जो आप कीमत मांगेंगे। मैं आप कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मां ही डाल दूंगी। वो 10 लाख लेकर भी नेगेटिव्स नहीं देंगे। फिर क्या चाहते हैं वो? आपके पति की फैक्ट्री में कोई नई ईजाद हुई है, वो उसका फार्मूला मांगते हैं। मेरी मानिए तो वो कागज का टुकड़ा देकर अपना उजड़ा हुआ घर बचा लीजिए। ये मेरा कार्ड है, मैं आपकी राह देखूंगी। अब आप जाइए, कहीं इतनी रात है कि आपको देख ना ले। Well done, sweetie. Hey! Help! कैसी है तुम्हारी सहेली? क्या बात है आशा, मछली की उम्मीद नहीं? आशा अपने आप को संभालो, रोने से क्या फायदा? आशा आशा सहेली से इतना प्यार, आ मेरे साथ एक एक कप कॉफी पीते हैं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं कॉफी नहीं, आइए मेरे पास बैठे ना, बातें कीजिए। करो बातें। आप बताइए। क्या बताऊं? अपने बारे में, अपने कारोबार के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, फॉर्मूले के बारे में। क्या जानना चाहती हो?
फॉर्मूला कहाँ रखते हैं, फैक्ट्री में या घर में? आशा, ये जिम्मेदारी चाचा जी की है, मैंने इस बात की कभी परवाह नहीं की। तो क्या बिजली बन जाने के बाद अब फॉर्मूले की बिल्कुल कीमत ही नहीं रही? ये बात नहीं आशा, जिस फार्मूले की मदद से हम बिजली बनाते हैं आज वो सारी दुनिया हमसे खरीदना चाहती है, और अगर कल ये फार्मूला किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वो खुद बिजली बनाने लगेगा, फिर हमसे कौन खरीदेगा? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, कुछ तो सोच रही हो आशा। फार्मूला इतना कीमती है तो आप उसे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? कल से अपने पास रख लें? तुम्हारे पास रख लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो आशा तुम कुछ परेशान हो, आराम करो, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सीनियर एंटोनियो, पैसे वैसे का इंतजाम कर लो, क्योंकि दो एक दिन के अंदर ही फॉर्मूला तुम्हारे हाथ आने वाला है। सीनियर जीवन, ब्रावो, ब्राविसिमो, यू आर ए ग्रेट मैन एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू। लेट मी किस यू। तुमने शेव नहीं बनाया। सीनियर एंटोनियो, शेव नहीं बनाया इसलिए कि फॉर्मूला इसी शेव की वजह से आने वाला है। वेलकम सर। आज तुम्हें अच्छा देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जिंदगी जैसी कीमती चीज को इतने आसानी से खत्म कर देना चाहा? जिंदगी कीमती थी आशा जब तुम थी। जीवन, तुम तो हमेशा मेरी भलाई के लिए सोचते थे, लेकिन अब क्या हुआ? भगवान ना करे तुम्हें कुछ हो जाता और वो खत पुलिस के हाथ लग जाता तो जानते हो मेरा क्या होता। हाँ आशा, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो तस्वीरें आई कहां से? तुम ये तस्वीरें ले क्यों नहीं गई? ये नहीं, मेरी और तुम्हारी वो तस्वीरें, गंदे पोज जो मुझे कल दिखाए गए। गंदे पोज मेरे और तुम्हारे? हाँ। किसने दिखाए? लेडी डॉक्टर ने। कौन लेडी डॉक्टर? जिसने तुम्हारी जान बचाई। अरे मैं नहीं जानता हूँ किसी को। नौकर से पूछो, वो बुला के लाया होगा। नौकर को तो मैंने 4 दिन पहले छुट्टी कर दी। तो वो लेडी डॉक्टर कौन थी जिसने मुझे फोन किया, तुम्हारा खत दिया, वो तस्वीरें दिखाई? ये रहा उसका कार्ड। जीवन, जीवन मेरी मदद करो, उसने मुझे साफ साफ कहा है कि अगर कैलाश की नई जात का फॉर्मूला मैंने उसे नहीं दिया तो कुछ लोग वो तस्वीरें कैलाश के हवाले कर देंगे। तुम तो जानते हो मैं हर घड़ी शक की निगाहों से देखी जाती हूँ। वो तस्वीरें ऐसी हैं जिनसे मेरा घर उजड़ सकता है। नहीं आशा, मेरे होते हुए तुम्हारा घर कभी नहीं उजड़ सकता। जिन लोगों ने भी तुम्हारे खिलाफ ये चाल चली है उन्हें मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। शायद इसी के लिए आज मुझे नई जिंदगी मिली है। भगवान के बाद मुझ पर भरोसा रखो और तुम घर जाओ आशा, घर जाओ। अच्छा एक काम करो, ये कार्ड संभालो और अपनी डिस्पेंसरी में जाकर बैठ जाओ। नाश्ता कर लिया आपने? सहेली से मिलने गई थी जी। उसी सहेली से जिससे रात को भी मिलने गई थी जी। उस सहेली का नाम जीवन तो नहीं? मुझसे झूठ मत बोलना आशा, जीवन से मिलने गई थी। रात को भी तुम जीवन से मिलने गई थी आशा? मुझे माफ कर दीजिए आशा, तुम्हें मेरे दिल का ख्याल नहीं ना सही, मेरे जज्बात की परवाह नहीं ना सही, लेकिन मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी आबरू इन सबको मिट्टी में क्यों मिला रही है? जिसे आपके नाम पर धब्बा लगे ऐसे कोई काम मैंने नहीं किया। तुमने किया है आशा, किया है, किया है। नहीं, मेरा भगवान जानता है। नहीं, नहीं।
बेटी, मैंने सब आंखों से देख लिया है। अब मैं तुम्हें यहाँ एक दिन नहीं रहने दूंगा, चलो घर चलो। अब तो मेरा घर यही है डैडी, यही जीना है, यही मरना है। मैंने अपनी बेटी को किस बेशी से ब्याह दिया है डैडी? आप उनके बारे में बुरा भला कहेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी वफादारी की दाद देता हूँ बेटी, लेकिन ये आदमी इस लायक नहीं। मैं जाती हूँ, नौकर आपको चाय पानी के लिए पूछ लेंगे। आशा बेटी रुको। अच्छा मैं कैलाश के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने जीवन को किस मौत के घाट भेज दिया है? कुछ गुंडों ने उसे पकड़ लिया है और ये धमकी दी है कि जो चीज उन्होंने तुमसे मांगी है अगर आज के आज उन्हें नहीं मिली तो वो न सिर्फ कुछ तस्वीरों के नेगेटिव कैलाश को भेज देंगे बल्कि जीवन का भी खात्मा कर देंगे। बेटी, जीवन के हम पे बहुत एहसान है, उसकी जान बचाने के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं। वो कौन सी चीज मांग रहे हैं, मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। आपके पास कौन आया था? टेलीफोन। आप चिंता ना कीजिए, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। बेटे बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे ख्याल में तुमने बात का बतंगड़ बना लिया है। अरे उन कुत्तों को फॉर्मूला चाहिए दे देते हैं जी। बेटे कागज का टुकड़ा ही तो है ना, और उसके बदले में जो तुम बचाना चाहती हो वो जीवन नाम के आदमी की जिंदगी और उससे बढ़कर कैलाश की और तुम्हारी खुशी। लेकिन लेकिन कुछ मैं भी तैयार होकर आता हूँ, फिर चलते हैं डॉक्टर की डिस्पेंसरी में। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आ तुम अपनी दीदी से बातचीत करो, मैं भी आता हूँ। दीदी? डॉक्टर शेट्टी। आओ बेटी, यही है। ओ मिस्टर रमाकांत खुराना, आप खुद। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मुझे पहचानते हैं। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी ईजाद का फार्मूला खुद ईजाद करने वाले के हाथों से हमें मिलेगा। लेकिन इनाम में मुझे कुछ मिलेगा या हम फार्मूले का मुआयना कर सकते हैं? पहले मैं उन नेगेटिव का मुआयना करूंगा। जरूर, ये रहे। थैंक यू। दो बेटे दे लो। क्यों बेटे? रुकिए तो, जरा हम भी तो अपनी तसल्ली कर लें। हमारी तसल्ली अभी पूरी नहीं हुई। बेटी क्या नाम है उसका? जीवन। हाँ हाँ जीवन। जीवन कहाँ है? अब पहले उसे खोलो। खोल दो इसे। तो पूछ लीजिए। क्या ख्याल है? लगता तो ठीक है। आशा, मैंने कितना चाहा कि मेरी जिंदगी तुम्हारा कोई काम आ सके, लेकिन मैं तो उल्टा तुम्हारी एहसानों के बोझ तले दबा जा रहा हूं। बेटी तुम इन्हें लेकर चलो, मैं इनकी पूरी तसल्ली करके आता हूं। नहीं साहब, हमारी पूरी तसल्ली हो चुकी है, आप भी तशरीफ ले जा सकते। नहीं साहब, दो चार आदमियों को दिखा लीजिए ताकि कोई शक ना रहे। हमें बिल्कुल कोई शक नहीं। बुलाइए। क्या? नेगेटिव। ओ हाँ, ला। गजब का फॉर्मूला है, इसको कहाँ कहाँ बेचोगे? 20 मुल्कों के साथ सौदा हो चुका है, लेकिन हमारा इरादा दुनिया के हर मुल्क से सौदा करने का है। एक्सेलेंट, कितने पैसे बनाओगे? कुछ हिसाब नहीं लगाया, लेकिन 100 करोड़ से कम नहीं होगा। एंटोनियो, यू आर द बिगेस्ट सोल ऑन अर्थ। आई बेग योर पार्डन डॉक्टर। ये फॉर्मूला 100 कोड़ी में भी नहीं बिकेगा। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठ है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास, इसको रद्दी में बेचो, छोटे छोटे पुड़िया बना के मूंगफली बेचने में काम आएगा। अब इस खराना के बच्चे की खैर नहीं। लक्ष्मी, अरे घर में अंधेरा को करना क्या, बत्ती क्यों नहीं जलाई? बेटा सूरज, किरण बेटे, कहाँ चले गए ये लोग?
किरण, सूरज, क्या समझे? तुम यहां आए कैसे? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूं। बड़े शौक से। पुलिस को बीच में लाकर खामखा अपने बच्चों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। मामला हमारा आपस का है, प्यार मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। कौन है मेरे बच्चे? असली फार्मूला कहां है? मेरे पास नहीं। लेकिन हासिल किया जा सकता है। हाँ। कोई जल्दी नहीं, कल सुबह 8 बजे हम तुम्हें टेलीफोन करेंगे। तब तक सोच लो कि फार्मूला ज्यादा प्यारा है या बच्चे। सुबह। हाँ बेटे, तुम्हारी ये अमानत जो मेरे पास रखी है, मैं चाहता हूँ इसे अब तुम संभाल लो। ये क्या फार्मूला? ऐसे भी क्या बात है चाचा जी, जो चीज मेरे पास हिफाजत से अब आपके पास ज्यादा हिफाजत से। नहीं बेटे, ताकतवर से ताकतवर इंसान भी कुछ घड़ियों में कमजोर से कमजोर हो जाता है। तुम्हें जो मुझ पर भरोसा है, मैं उस भरोसे के लायक बना रहना चाहता हूँ। आज कैसी बातें कर रहे हो? इसे संभाल कर रखते जाओ। ठीक है, आप मेरे आने तक रुकिएगा जरूर। आदमी की नीयत बदलते देर नहीं लगती। सूरज, किरण, यहीं कहीं खेल रहे होंगे। आठ बजे फोन आने वाला था। हेलो भैया। जनाब 8 बज गए, क्या फैसला किया भाई? देखो भाई, तुम मेरे से ज्यादती कर रहे हो। जो चीज तुम्हें चाहिए वो मेरे पास नहीं है। ए बुड्ढे, हमारे साथ ही चला किया। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं। मैं तुम्हें शाम तक का वक्त और देता हूं। 5 बजे तक फॉर्मूला मेरे हाथ से पहुंच जाना चाहिए, वरना एक आध बच्चे की लाश शायद आपके दरवाजे पे पटक दी जाए। बेटी, बच्चे वापस आ जाएंगे चाचा जी। विनोद भाई, सर्टिफिकेट देखकर तो लगता है लड़का काफी इंटेलिजेंट है। आप कल सुबह से भेज दीजिए, मैं उसे नौकरी। कल तो संडे। हाँ ठीक है, आप परसों मंडे भेज दीजिए।
तो मुझे बचाने के लिए बदमाशों को दिया जा चुका है। वो असली नहीं, नकली था। अच्छा? असली फॉर्मूला तो कैलाश की तिजोरी में है, उसकी एक चाबी मेरे पास भी है। मैं वो फॉर्मूला गायब कर दूंगी। आशा, दिल के कहते हुए डरता हूँ, सोचता हूँ तुम मुझे कहीं गलत न समझ बैठो। जीवन, कहीं हम एक दूसरे को गलत भी समझ सकते हैं। जो दिल कहता है कहो, कहो ना। आशा, दिल तो ये कहता है कि तुम्हारी शादी एक भूल थी, जिसकी सजा तुम भी भुगत रही हो और मैं भी। लेकिन ये सजा भुगतते रहना उससे ही बड़ी भूल है। आशा, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरे पास चली जाओ। हाँ आशा, मैं कैलाश जैसा धनवान तो नहीं, लेकिन मेरे सीने में ऐसा प्यार भरा दिल है जो कैलाश को जन्म नसीब नहीं हो सकता। जीवन, क्या सचमुच तुम्हारे दिल में मेरे लिए वही मोहब्बत है? अच्छा, जहर खाकर मोहब्बत का सबूत दे चुका। जीवन, आशा तुम्हारा जीवन, ओ जीवन, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आशा, हर जन्म। तिजोरी से वो फॉर्मूला लेकर तुम उसके साथ क्या करोगे? कैलाश की फैक्ट्री में जो बुढ़ा साइंटिस्ट है ना, उनके दो छोटे छोटे बच्चों को वही बदमाश उठा ले गए हैं जो तुम्हें ले गए। अच्छा, लेकिन क्यों? उसी फॉर्मूले के लिए। कहते हैं फॉर्मूला ना मिला तो वो लोग बच्चे को जान से मार डालेंगे। उनकी ये मचाल, मैं उनका खून पी जाऊंगा। ना ना ना, मैं तुमको वहां जाने नहीं दूंगी। एक बार पहले अपनी खातिर मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल चुकी हूँ। अरे मगर उन बच्चों को तो बचाना होगा। आशा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो लोग उन बच्चों को उसी जगह पर ले गए होंगे जहाँ तुम्हें ले गए थे? यकीन है, अब मैंने तो उस अड्डे का रास्ता भी देख लिया। अच्छा, तो क्या तुम उनको खबर भेज सकते हो कि वो लोग बच्चे लेके आ जाए? मैं फॉर्मूला उनके हवाले कर दूंगी। क्यों नहीं, मगर उन्हें बुलाएगा। कैलाश के घर के पीछे वाले जंगलों में रात के 12 बजे जब कैलाश गहरी नींद में सो रहा होगा। और वो सोता रह जाएगा और जीवन अपनी आशा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाएगा। ओ जीवन, कब ये रात आएगी? कब 12 बजेंगे? मैं तो बेचैन हो रही हूँ। आशा, मेरी आशा। अब नहीं, रात को। देखती क्या हो, वही है, वही जिसके लिए इतना बड़ा नाटक रचाया गया, जिसके लिए मेरे प्यार से, मेरी जिंदगी से खेला गया, जिसके लिए और भी ना जाने कितने धोखे मुझे दिए जाने वाले थे। आशा, तुमने कभी मेरे प्यार की गहराई को समझा ही नहीं। उस प्यार के सामने ये फार्मूला महज कागजों का ढेर है। कभी तुमने मजाक में भी मुझसे मांग लिया होता तो मैं इसे पूजा के फूलों की तरह तुम्हारे चरणों पर चढ़ा देता। ऐसे मंदिर में एक मूर्ति की तरह मैंने तुम्हें अपने दिल में रखा और आज तुमने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। आशा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, कोई झूठी सफाई देकर अपने आप को मेरी नजरों में और मत गिराना। ले जाओ इसे, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए वो भी मांग लेना। लेकिन आज के बाद अगर तुम इस घर में रहना चाहोगी तो मुझे ये घर छोड़ देना पड़ेगा। आपने मुझे ठीक समझा कैलाश बाबू, बहुत ठीक समझा।
इसके बाद भी आप मुझे ठोकरे मारकर घर से नहीं निकाल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप आदमी नहीं देवता है। आपकी मूर्ति मैं अपने मन मंदिर में बसा कर यहां से चली जाऊंगी। अपना सामान इकट्ठा करने के लिए अगर थोड़ा सा समय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फॉर्मूला लाई हो? हाँ, बच्चे कहाँ हैं? उधर है, लेकिन पहले उन बदमाशों को फॉर्मूला देना पड़ेगा। उनसे कहो कि अगर फॉर्मूला चाहिए तो बच्चों को पहले यहाँ ले आए। फॉर्मूला मेरे बैग में है। अच्छा। ए, फॉर्मूला चाहिए तो पहले बच्चों को लेकर इधर आओ। चल गाड़ी के पास चलते हैं। घर में बैठो, चलते चलते। फॉर्मूला प्लीज। जीवन, इसमें से फॉर्मूला निकाल के इनको दे दो। ले जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? आती हूँ। जैसे मैं उतरूं, तुम गाड़ी तेज भगा के सीधा चाचा के पास ले चलना। ये बहुत अच्छा। देखिए जीवन साहब, अब कहाँ भगा कर ले जाएंगे मुझे? कैसी बातें कर रही तुम? हट जा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। क्या कह रही हो तुम? कौन सा खेल? हर चीज खेली तो है तुम्हारे लिए। प्यार खेल, दोस्ती खेल, वफा खेल। तुमने मुझे खिलौना समझा, मेरे पिता को खिलौना समझा, मेरे पति को खिलौना समझा। अपने लालच के लिए तुमने हम सबको बर्बाद करके रख दिया। सर, ये तो खाली है। आशा, फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला चाहिए? ये लो, ये लो। आशा, जीवन को कोई इस तरह से धक्का नहीं दे सकता है। समझे इंस्पेक्टर, तुम बतूर वाली सड़क पर जाओ, कुन्नूर तक देखो, चप्पा चप्पा छान मारो और फिर मुझे खबर करो। ओके। आपकी अमानत तकिए के नीचे है।
हेलो, उसी की आवाज है, बात करो। कैलाश बाबू, भाई आपने ठीक नहीं किया। मामला हमारा आपस का था, आपने खामखा पुलिस को बीच में बुलाकर अपनी बीवी की जान को खतरे में डाल दिया है। खैर बात अभी बिगड़ी नहीं, आप चाहें तो प्यार मोहब्बत से निपटाई जा सकती है। जी बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन ये प्यार मोहब्बत किसके साथ करना होगा? जी मेरे साथ। सुनिए, अगर आप मेरे हर सवाल का जवाब जीवन से पूछ कर देंगे तो वक्त बहुत जाया होगा। उस कमीने बुजदिल से कहिए अगर मर्द का बच्चा है तो खुद मुझसे बात करे। आपकी समझ की दाद देनी पड़ेगी कैलाश बाबू। और आपकी दोस्ती की दाद देनी पड़ेगी जीवन बाबू। दाद तो हम आपसे उस वक्त लेंगे जब आपकी इजाद का फॉर्मूला हमारे हाथ में होगा। क्यों, अभी तक आया नहीं तुम्हारे हाथ में? देखो कैलाश, ये नाटक कंपनी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो, फॉर्मूला तुम्हारी तिजोरी में है और यूं समझो कि आशा हमारी तिजोरी में है, तो क्यों ना ये तिजोरियां बदलकर अपनी दोस्ती थोड़ी और निभाई जाए। हम उसकी जान तो नहीं लेंगे कैलाश, लेकिन देखते हैं आशा वैसी की वैसी खूबसूरत है और हमारा दिल वैसा का वैसा जवान है। जो हसरत हम पहले पूरी नहीं कर सके, अगर तुमने हमें मजबूर किया तो जीवन छूना तो दूर, अगर तुमने अपनी गंदी निगाह उठाकर आशा की तरफ देखा भी तो कसम है मुझे अपने बाप दादाओं की, चाहे मुझे जिंदगी भर तुम्हें तलाश करना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढूंगा जरूर, और फिर जो तुम्हारा हाल करूंगा उसे देखकर तुम्हारे फरिश्ते भी कांप उठेंगे। इतना प्यार है अभी तक तुम्हारे दिल में, तो फॉर्मूला हमारे हाथ जरूर आएगा। बोलो कब अपने आदमी भेजो? तुम खुद आओ और आशा तुम्हारे साथ होनी चाहिए। मेरे आदमी आएंगे, तुम उनको फॉर्मूला दोगे, फॉर्मूले की जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद आशा तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। ख्याल रहे, बीच में कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। ठीक रात के 12 बजे तुम फॉर्मूला लेकर दरवाजे पे खड़े रहना, समझे? स्कीम कामयाब रही। आप कैसे लगी ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन कैलाश गुप्ता और तीन मुलाजिम जलकर मर गए। मिसेस आशा गुप्ता उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे, हुकूमत ने दिल्ली से कुछ ऑफिसर्स रवाना किए। जब तक वो इस राग के ढेर का पता नहीं लगा लेते, किसी भी शहरी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस का वहां सख्त पहरा रहेगा। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि सरकार को कुछ जरूरी कागजात की तलाश है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो जरूरी कागजात। इससे पहले कि हमारे दिल्ली वाले मेहमान यहां पहुंचे, हमें वो फॉर्मूला किसी भी हालत में हासिल कर लेना है, आज ही रात को। सुनो सविता, मैं पीछे से जाकर चुपके से उनकी गाड़ी की डिक्की में छुप जाता हूँ और तुम लोग एक दो को छोड़कर बाकी सब कुछ संभाल लेना। आप बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। बेटे, तुम्हारा इस तरह खतरे में जाना मुनासिब है क्या? चाचा जी, आशा की जिंदगी का सवाल है, मुझे जाना चाहिए। देखो बेटे, अगर तुमको ज्यादा देर लग गई तो मैं पुलिस लेकर तुम्हारी तलाश में निकल पड़ूंगा। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे कर लीजिएगा।
घंटा बजे देता। लीजिए। सुनो, उधर चले जाओ। जी अच्छा, और तुम उधर से चलो। Thank you.
जंगल में छुपे हैं तो जंगल को आग लगा दो, लेकिन अगर वो लोग इस बार बच निकले तो तुम सबों का जीना हराम कर दूंगा। नाउ गेट आउट, गेट ऑफ। डोंट यू वरी, यू विल गेट योर फॉर्मूला। प्लीज लेट्स गो इन सर्च। सर,
कुछ ज्यादा देर हो गई, मुझे पुलिस की मदद लेकर जाना चाहिए। राइट सर। जिंदगी भर के लिए अफसोस रह जाएगा कि इस कुत्ते को मैंने सबक नहीं सिखाया। जीवन साहब, वो इधर तो नहीं है। इधर नहीं, उधर देखो। उधर नहीं जीवन, इधर। मैं नहीं चाहता था कैलाश इस तरह से हमारा सामना हो। तुम्हारे चाहने से अब कुछ नहीं होगा, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। मुकाबला बराबर का नहीं है। मेरे साथ 20 आदमी भी हैं और हाथ में ये पिस्तौल भी है। मुकाबला एक आदमी और 20 आदमियों का नहीं, मुकाबला दोस्ती और मक्कारी का है। इसके अंदर का बारूद दोस्ती और मक्कारी को नहीं देखता है, जान ले लेता है। बारूद को चलना होता तो अभी तक चल चुका होता, लेकिन शायद इसमें तुम्हारी आंखों से ज्यादा शर्म है। देखो कैलाश, खून खराबा अच्छा नहीं है। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला। और तुम नहीं जानते मुझे क्या चाहिए। क्या?
अपने बाकी कुत्तों को भी, उन सब को भी मैं देख लूंगा। Get lost, I don't want anybody's help. Get away, please. Get away. सब कोई पीछे हट जाओ। मैं इन बदमाशों को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। घेरा डाल दो। जीवन, तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का स्वागत करने के लिए कितने लोग आए हैं? मुझे अफसोस रहेगा कि देश के साथ गद्दारी करने की सजा तुम्हें ये लोग दिलवा ही देंगे, मगर मुझ जैसे दोस्त और आशा जैसी देवी के साथ गद्दारी करने की सजा तुम्हें कौन देगा? वक्त, ये क्या किया तूने? क्या किया? लालच ने मुझे तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं रखा कैलाश। जीवन, जलने में क्या मजा है, परवाने